अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टैली फूड। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम कीमा भरे करेले है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आधा कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। इसको लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे। जब टमाटर थोड़े से गल जाए तो इसमें एक चम्मच नमक, दो चम्मच सूखी मिर्च, एक चम्मच खुश्क धनिया, आधी चम्मच हल्दी शामिल कर लें। हाँ, मसाले को अच्छी तरह भूनें। जब मसाला भून जाए तो इसमें कीमा डाल दें। कीमा आप चिकन का और छोटे बड़े गोश्त का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसमें चिकन का कीमा डाल रही हूँ। ये देखें नाज़रीन, कीमे वाला मसाला तैयार हो गया है। अब हम करेलों की इस मसाले के साथ फिलिंग करेंगे। नाज़रीन, इस बात का ख्याल रखें कि करेले साइज में छोटे हों। आप बारी बारी इसमें कीमा भरते जाएं। और धागे की मदद से इसको बंद करें। इसके लिए आप टूथपिक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सुई धागे से इसको बंद कर सकते हैं ताकि मसाला बाहर ना निकल सके। जब सारे करेले भर लेंगे तब इनको कुकिंग ऑयल में फ्राई करें। आंच धीमी रखें ताकि करेले एकदम जल ना जाए बल्कि आहिस्ता आहिस्ता फ्राई हो। इनको टूथपिक की मदद से चेक कर लें कि करेले अच्छी तरह गल गए हैं। बाकी जो मसाला रखा था वो भी हम इसमें शामिल कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से करेले तैयार हो जाए। अब थोड़ी देर मजीद भूनें और इसके बाद इसको काट लें। हमने मिट्टी की हांडी का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें किसी भी सालन का जायका बहुत मुफीद और मजे का होता है। आखिर में हम हसबे जायका हरी मिर्चें और धनिया डाल देंगे।
करेलों के साथ तंदूर की रोटी उसका लुत्फ उबाला कर देती है। हम भी इसीलिए तंदूर की रोटी पका रहे हैं। गैस वाले तंदूर को प्री हीट कर दिया था, अब हमने इसमें रोटियां लगा दी। इसमें रोटी इसी जल्दी पक जाती है जो कि खाने में भी बहुत जरूरी है। रोटी तैयार है, आप इसको निकाल लें। ये देखिए नाजरीन, पूरा भरे करेले तंदूर की रोटी के साथ तैयार है। आप इसके साथ लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप जरूर इसको घर में ट्राई करें। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। को क्लिक करें, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।